खोलने के लिए एक युवा से रिश्वत मांगना शिक्षा विभाग के एक बाबू को भारी पड़ गया। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामला गुड़सराय का है, जहां विजय पटेल नामक युवक गांव में ही एक हाई स्कूल खोलने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने झांसी में कचहरी चौराहे पर स्थित शिक्षा विभाग में 11 जून को आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद से ही शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात बाबू मनीष पांडे लगातार उनसे सुविधा शुल्क की मांग करने लगे, जिसके बाद काफ़ी परेशान होने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन प्रभारी प्रेम कुमार सिंह योजना अनुसार अपनी टीम के साथ स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात बाबू मनीष कुमार पांडे को विजय पटेल से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगो हाथों गिरफ्तार कर लिया। आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से रिश्वत लेते हुए मनीष कुमार पांडे को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। किसी चीज़ को मांग रहे थे? रिश्वत मांग रहे थे, एक पत्रावली थी प्रशासन योजना के अंतर्गत स्कूल खोलने के लिए अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने के संबंध में। मामला ये है कि मान्यता के नाम पर वरिष्ठ सहायक मनीष पांडे द्वारा हमारे विजय पटेल जी से, जिलाध्यक्ष यूटा से 10,000 रुपये की मांग की गई थी। इस तरह से जो है हमारे यूटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह सिकरवाय द्वारा पूरे भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो इस तरह से 145वां ये भ्रष्ट बाबू गिरफ्तार हुआ झांसी एंटी करप्शन DIS बाबू की। कैसे पकड़ा? इनको जो है ऐसे पकड़ा कि हम लोगों ने शिकायत की थी एंटी करप्शन टीम में, तो एंटी करप्शन टीम ने कहा ठीक है मैं देखूंगा इसको, और जो है एंटी करप्शन टीम आई और पीड़ित को भेजा DIS कार्यालय, और जैसे ही पीड़ित ने पैसे दिए ऐसे ही रंगे हाथ जो है एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। झांसी से मनीष शरी की रिपोर्ट।